दोस्तों, जीव पर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज की वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो एक्चुअली मैंने फोन से शूट किया है और लैब में ही हुई मैं, तो अभी मेरा लेक्चर फ्री था तो मैं सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि एक वीडियो जो बैटरी फूलने पर वीडियो है, बैटरी दीजिए, बैटरी क्यों फूल रही है, किस कारण से फूल रही है और आपको क्या करना चाहिए। बैटरी जब फूल जाती है तो आपको इस टाइप से दिखता है। ये मैविक सीरीज की बैटरी है, अगर पैंटम सीरीज की बैटरी भी फूलती है तो इस टाइप से आपको दिखता है। बैटरी फूलने से क्या होता है? बैटरी फूलने से जो बैटरीज हैं आपके ड्रोन में फिट नहीं हो पाता है। और अगर कभी कभी आप सोचते हैं कि इस टाइप से हम ड्रोन को बैटरी के साथ क्लिपिंग करके बांध के फ्लाई करेंगे तो उससे भी बहुत बड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बैटरी के जस्ट नीचे ही ESC बोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है। और बैटरी जब फ्लाई होता है और इसमें वैक्यूम क्रिएट होने के साथ साथ और ज़्यादा फूलने लगती है और प्रेशर मदरबोर्ड के ऊपर ही आता है, ESC बोर्ड के ऊपर ही आता है, जिससे आपका ड्रोन क्रैश हो जाता है और आपका ड्रोन नीचे देखने को आपको मिल जाता है। ऐसा आप ना करें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसमें निडल से एक छेद कर देते हैं, सोचते हैं कि इसमें हवा भर गया है मैं हवा निकाल लूँ, तो हवा निकलने से तब कभी ऐसा मत करिए। अगर बैटरी फुल चार्ज है तो कभी कभी और बैटरी ब्लास्ट हो सकती है और आपको इस टाइप से बैटरी जली हुई नज़र आएगी, तो ये बिल्कुल ना करें। तो ये दिक्कतें थी बैटरी से फूलने से क्या होती है। अब आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी जो बैटरीज को फूलने से कैसे बचा सकते हैं। तो बैंटम सीरीज या कोई मैविक सीरीज की बैटरी को अगर आप खोलते हैं तो इस टाइप का आपको अंदर सेल मिलेगा। थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए, ये लिपो सेल लगे होते हैं, इसमें लिथियम पॉलीमर सेल लगे होते हैं। मैविक मिनी को छोड़ के मैविक मिनी में लिथियम आयन सेल यूज़ होता है, लेकिन बाकी सारे डिजाइन में अभी तक सब मैविक लिथियम पॉलीमर लिपो सेल यूज़ हुआ है। अब हम थोड़ा सा लिपो सेल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ है, लिपो सेल कैसे चलती है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लिपो सेल 3.6 से स्टार्ट होके 4.2 तक मैक्सिमम चार्ज होती है, ठीक है। तो ये हमें सीरीज देखना है। मिडिल में आप देख सकते हैं जो 50% जो चार्ज होता है, तो 40 से 50% इसका स्टोरेज मोड होता है। मींस क्या हो गया कि हम जब भी बैटरी को फ्लाई नहीं करते हैं, बैटरी से ड्रोन को फ्लाई नहीं करते हैं, बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं जो ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग इसको फ्लाई करते हैं। सपोज करिए कि आपका सीजन ख़त्म हो गया तो बैटरी को आप क्या करते हैं, सोचते हैं फुल चार्ज करके आप रख देते हैं, या तो डाउन करके बैटरी को रख देते हैं। इससे क्या होता है, जो डाउन करके रख देते हैं उसका मदरबोर्ड डेड हो जाता है, और जो फुल चार्ज करके रखते हैं तो उसकी बैटरी फूल जाती है। एक जो BMS होता है मदरबोर्ड, उसमें बैटरी में BMS की प्रॉपर्टीज ये होती है कि बैटरी को वो स्टोरेज मोड पे लेके आए, लेकिन बैटरी तो फुल चार्ज है, स्टोरेज मोड पे कैसे आएगी, तो उसमें क्या होता है फिर उसके सेल के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और बैटरी का सेल फूल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी इसको आइडल मोड पे रखना है, मीन्स आपको फ्लाई नहीं करना है ड्रोन को, तो बैटरी इसको तब तक फ्लाई करिए जब तक ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है 3.8 तक ना आ जाए। वहाँ से 3.8 तक वोल्टेज को लाने तक आप फ्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बैटरी बैलेंसर तो आपके पास है नहीं जो बैटरी को बैलेंस करके रखें। तो यही एक तरीका है, बैटरी को फुल चार्ज करिए और उसको 3.8 वोल्टेज तक, 3.75 से 3.8 आप कोशिश करिए कि 3.8 वोल्टेज तक आप फ्लाई करें। अब दिक्कत ये होती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बैटरी 3.8 वोल्ट तक फ्लाई हुई कि नहीं। इसके दो एक मोटा मोटा ये तरीका है कि आप बैटरी को 50% तक फ्लाई करिए, ठीक है। थोड़ा सा और सिक्योर्ड होना है आपको, देखना है ये जो मैविक सीरीज का वीडियो है, इसमें DJI फ्लाई को ओपन करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, उसके बाद बैटरी इन्फो पे, सेफ्टी पे जाके बैटरी इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये बैटरी आपको देखिए यहाँ पे सेल्स दिख रहा है। ये मिनी 2 का है इसलिए 2 सेल दिख रहा है। Air 2S का अगर देखेंगे, Air 2 देखेंगे तो 4 सेल आपको दिखेगा, 3 सेल दिखेगा इसमें। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पे ये 3 सेल आपको दिख जाएगा। तो उसमें यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिख रहा है और बैटरी साइकिल दिख रहा है, ठीक है, कितनी बार चार्ज किया है वो दिख रहा है। तो आपको यहाँ क्या देखना है, वोल्टेज देखना है। फ्लाई करिए और यहाँ सेफ्टी पे जाके बैटरी इन्फो पे क्लिक करिए और देखेंगे जब फ्लाई करेंगे धीरे धीरे वोल्टेज डाउन होगी।
तो आप कब तक फ्लाई करेंगे? जब तक 43.8 वोल्टेज नहीं आता। इसी टाइप से पैंटम 4 में भी इस टाइप का आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा बैटरी का। तो बैटरी के डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप ड्रोन को फ्लाई करते रहेंगे जब तक कि ड्रोन की जो बैटरी वोल्टेज है, बैटरी की जो बैटरी वोल्टेज है 3.8 तक नहीं जाता, तब तक आप फ्लाई करेंगे। जब 3.8 वोल्ट तक हो जाता है, डजेंट मैटर कितना परसेंट है, हो सकता है वो 60% होगा, हो सकता है वो 40% होगा, उससे मतलब नहीं। नई बैटरीज हैं तो वो 60% हो सकता है, पुरानी बैटरीज है तो 40% हो सकता है। तो उसको आप परसेंटेज वहाँ पर नहीं देखना है, आपको वोल्टेज देखना है। वोल्टेज देखा आपने 3.8 हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, बैटरी को आप रख सकते हैं, इससे आपकी बैटरी कभी फूलेगी नहीं, ठीक है। आप 300 सेकंड तक इसे चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइप का अगर वीडियो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे, और जिस भाई साहब का बैटरी ख़राब हो गया है वो हमें भेज सकते हैं, वो बैटरी प्रॉपर रिपेयर हो जाएगी। उसमें कोई स्विच चुभाने का काम मत करिए, इससे आपको ब्लास्ट होने का डर भी रहता है और बैटरी आपकी ख़राब भी हो जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।